गुड मॉर्निंग आप सभी को, मिठू वंशी ब्लॉग में स्वागत है दिल से। और सो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज क्या है सो मैं आपको बता देती हूँ। सो दोस्तों, आज मेरे लिए और जितने भी औरत या मतलब लड़की या कोई भी जो मतलब महाशिवरात्रि करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज दोस्तों महाशिवरात्रि का नहा खा है, यानी कि नहा कर उसके बाद ही खाना खाना पड़ता है भगवान जी को, पूजा वगैरह ये सब करके। तो आज हम बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। तो दोस्तों, अभी हम भोरे भोरे क्या कर रहे हैं और कैसे हम नहा खा मनाते हैं, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आज सारा कुछ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि कल पूजा है महाशिवरात्रि का, तो सभी कुछ साफ सुथरा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम अपना पूरा बेडशीट धो रहे हैं और यहाँ पे देखिए भगवान जी का है मतलब मूर्ति वूर्ति, तो सभी कुछ हम साफ करेंगे दोस्तों। और अभी हम चलते हैं, अभी दिखाएंगे आपको क्या क्या हम किए हैं और क्या क्या करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा मत। तो यहाँ पे देखिए हम पूरा घर को सफाई वगैरह ये सब कर चुके हैं, क्योंकि घर भी निपना पड़ेगा गोबर और मिट्टी से। और यहाँ पे देखिए सारा घर को हम साफ कर दिए, ये वाला रूम भी अभी हम साफ किए हैं और सभी को निपना पोतना है, ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा खाना वाना भी बन चुका है और भी कुछ, चलिए दिखाते आपको, कल पे दिखाते हम क्या क्या कर रहे हैं। सो बहुत ही सारा काम हमको करना बाकी है। यहाँ पे देखिए इसमें हम मिट्टी और पानी घोर के रखे हुए हैं। और देखिए कपड़ा ना हम बहुत सारा यहाँ पे बोर दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, एक कटरा पूरा कटरा मतलब भर के कपड़ा बोरा हुआ है। और यहाँ पे बर्तन भी है। तो दोस्तों इसमें देखिए अभी हम गोबर यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा गोबर पड़ा हुआ है, तो इसमें हम इसको रख लेते हैं। बहुत आदमी को मन मतलब भटकता रहता है गोबर से, लेकिन हमको नहीं भटकता है, क्योंकि हमको मतलब इससे पवित्र हो जाता है, घर मिलने के बाद शुद्ध हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें गोबर मिला रहे हैं ढेर सारा, फिर उसके बाद निपेंगे घर को अच्छा से। और देखिए इसमें अब पानी भी रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गढ़ा हो चुका है, और इस पोतना से घर को निपेंगे हम। देखिए इसमें पानी है, ये हो गया, मिल चुका है, अब इसको इसमें डाल देते हैं और चलते हैं घर में। तो चलिए आप लोग भी साथ साथ में। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने ही रूम को मतलब नीपेंगे, क्योंकि मेरे ही रूम में भगवान जी का घर है इसलिए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, फिर हम निपते निपते चौकी के अंदर भी चले गए हैं निपने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा था लेकिन निप रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मानसी जी को घर के अंदर के निप रही है, दूसरका रूम में के मेरा घर है, काफी स्पेस का कमी है, जगह कमी है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खाली प्यार दीजिए क्या मानसी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है इसमें कुकर में है दाल और यहाँ पे है भात, यहाँ पे देख सकते हो। और फिर यहाँ पे भुजिया भी है दो रंग का, एक आलू का और एक निपा रहा है, सो देख सकते हैं यहाँ पे मानसी पूरे निप ली, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, पानी कम गया है बाल्टी का, फिर लेकर आएगी तो फिर से निपाई शुरू हो जाएगा। अब इधर से आएंगे, देखिए अब इतना बचा हुआ है सारा निपेगी। और दोस्तों अंदर पूरा रूम सब नीप चुके हैं और फिर बाहर यहाँ पे देख सकते हो आंगन में हम नीप रहे हैं और ये वीडियो बना। देखिए दोस्तों यहाँ पर एकदम निपाव का फाइनल हो चुका है, ये गोबर से निपाया है, ये बाल्टी है, रिकॉर्ड करते हैं। और दोस्तों मैं क्या ही बताऊं, इतना ज़्यादा कपड़ा है ना जो मैं क्या ही बताऊं, और मोटा मोटा कंबल सब ही है, जो कि मेरे वेट पर का ये कंबल सब है, तो उसको मैं पैर से खचकार खचकार के धो रही थी, मतलब पैर से जा जात के इसको सफाई कर रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। और ये खेना वगैरह ये सब बहुत कुछ है। और यहाँ पर देखिए फिर हम इस कंबल पतला वाला कंबल को भी धो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, फिर मैं नहा सुना कर भी आ चुकी हूँ एकदम फ्रेश होके। और यहाँ पे देखिए मैंने एक लॉन्ग फ्रॉक भी पहना है, जो कि ऑनलाइन से मंगवाई थी, तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर यहाँ पे देखिए हम पूरा भर मांग सिंदूर वगैरह बिंदी उंदी सब कर लिए हैं। और फिर यहाँ पर आ चुके हैं हम पूजा करने, पहले तो हम घर में पूजा किए क्योंकि अंधेरा था लाइट का। और यहाँ पे देखिए फिर अब हम जा रहे हैं मठ पे पूजा करने के लिए, जो कि मतलब हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, तो हम गली गली होके जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं पूजा करने आ चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मठ है, ये देखिए यहाँ पे हमने कितना सारा वीडियो भी शूट किया है। चलिए हम जल्दी जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जल चढ़ा लेते हैं,
और हमारे साथ कोई नहीं आया है, इसीलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पर फूल भी कोई नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बेलपत्र का जो पत्ता है उसी को तोड़ लेते हैं और हम अपने भोला बाबा चढ़ा देंगे। हम पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे भी चलते हैं। यहाँ पे तुलसी जी है और हंस बाबा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे भी जल चढ़ाएंगे। दोस्तों, अब हम अगरबत्ती फिर से फिर पूजा करते हैं। तो ये रहा हमारे पास चार अगरबत्ती, इसको हम अभी जलाएंगे। और अभी लगभग 12 बज गया है, लेकिन अभी तक हम खाना वाना नहीं खाए हैं। कल महाशिवरात्रि, कल तो हम निखंड सहेंगे, मतलब एक बूंद जल भी नहीं पीना पड़ेगा कल। ये देखिए हो गया, अब यहाँ पे हम पूजा कर लेते हैं। दोस्तों, वहाँ पे भी चलते हैं हंस बाबा तक और क्या बोलते हैं तुलसी जी तक, क्योंकि यहाँ पे भी पूजा करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो, तो देखिए हम पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे तुलसी जी है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो हम खाना खाने आ चुके हैं। खाना में क्या सब है? दाल चावल भुजिया और पूरी। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो सब काम धंधा करके हम आ चुके हैं खाना खाने। यहाँ पे देखिए हम पूरी खा रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टाटा।